तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 13 को, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था किस तरीके से जिनमो उनके साथ डिनर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन एक चूहा छोड़ने के कारण वह वहां से चला जाता है और यूतांग भी उसके पीछे चली जाती है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वहां से बात करते कहने लगते हैं कि ये अब बात सिर्फ प्योर यंग बॉडी की नहीं रही है, ये बल्कि लेजेंडरी यंग बॉडी है, सुप्रीम यंग बॉडी। और हमें दिखाया जाता है किस तरीके से जो यूतांग होती है वो लिनमो को अपनी बाइक पर बैठा कर ले जा रही होती है वापस। तभी जाती है लिनमो यूतांग से पूछने लगता है, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था उस समय पर कि उसने उस टाइम में कुछ मिलाया हुआ है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ कर सके। सीधा सा फैक्ट ये है कि वो मुझसे फाइट करने के लिए डायरेक्टली नहीं आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और सामने जैसे ही देखती है तो उसकी आंखों की फटी की पटरी जाती है, क्योंकि सामने से एक डॉग उसके बाइक के सामने से गुजर रहा होता है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी बाइक की जोरदार ब्रेक मार देती है। और सामने सड़क पर स्नो तो ऑलरेडी पड़ी हुई होती है जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यूतांग लिनमो को बचाने के लिए लिनमो की तरफ बढ़ती है अपना हाथ और वो लिनमो का हाथ पकड़ लेती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो यूतांग होती है वो लिनमो के टॉप पर बैठ जाती है। ये पोजीशन को गलत मत समझ लेना, ये बस उसे बचाने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन यहाँ पर तो लिनमो ने यूतांग को बचा लिया है क्योंकि नीचे तो स्नो ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों का फेस आमने सामने होता है, लेकिन लिनमो हेलमेट पहने हुआ है, उसका कुछ खास दिख नहीं रहा है कि उसके क्या एक्सप्रेशन है। और तभी जिस तरीके से यूतांग उस पर बैठी हुई होती है उसका तो बिल्कुल भी मन ना होता उठने का। तभी लिनमो उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो। तभी यूतांग उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी। तभी लिनमो जवाब में उसे कहने लगता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। और वो टोटली कंफ्यूज होते हुए उठता है। तभी यूतांग वहाँ पर एक स्नोबॉल उठाती है और सीधे उसके ऊपर मारती है और कहने लगती है, क्यों ना हम यहाँ पर बैठकर यहाँ पर स्नोबॉल फाइट करें तो कैसा रहेगा। तभी लिनमो यूतांग के चेहरे की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है, जो 8 टाइप के जहर जो पॉइजनस पैरासाइट्स हैं वो तुम्हारे फेस और बॉडी पर अजीब तरीके के निशान छोड़ के जाते हैं और तुम्हें अंदर से बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, और 10 में से 9 बार तो कम से कम बच्चों जैसा व्यवहार करना चालू कर देते हैं वे लोग। ये इस तरीके के पॉइजन है वो तुम्हारे दिमाग को खराब कर देते हैं कुछ समय के लिए और तुम बचकानी हरकतें करना चालू कर देते हो और तुम ना चाहते हुए भी दूसरों की बुली करना चाहते हो। और तो और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कुछ बॉडी कॉन्टेक्ट भी तुम बना सकते हो और सेक्सुअली एक्सप्लेट भी कर सकते हो कुछ चीजें। आप समझ गए होगे क्या कहना चाहता है ये बंदा कि आखिरकार ये किस तरीके का पॉइजन है। तभी यूतांग को हमें दिखाया जाता है जो कि कतई बवाल दिख रही होती है और वो स्नोबॉल उठाकर उस पर मारने लगती है फिर से, और लिनमो उसको बस देखे ही जा रहा है और वो उसकी बात से एग्री होते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है मैं बस इस बार ही तुम्हारे साथ खेलूंगा, वो भी कुछ समय के लिए। और इसी तरीके से वे स्नोबॉल फाइट खेलना चालू कर देते हैं। तभी कहानी किसी और सेंचुरी में जाती है, तो हमें पता चलता है ये कहानी है वो 10,000 साल पहले जाती है, जब हमारा एम्परर नहीं था, ना ही इमॉर्टल था और ना ही उसके पास इतनी पावर थी। यहाँ पर एक लड़की उसके पीछे करते हुए उससे कहने लगती है, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ बने रहो। तभी हमें जवान लिनमो एम्परर को दिखाया जाता है, इसका नाम तो मैं भूल गया रियल वाला, पर इसे हम एम्परर कहेंगे अभी के लिए। तो तभी हमें जवान एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहा जाता है, ये सब काम ऑर्डिनरी लोग करते हैं और मैं एक कल्टिवेटर हूँ, तो आखिरकार एक कल्टिवेटर किस तरीके से ब्रेक ले सकता है। तभी उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसके गुब्बारे छोटे मोटे नहीं होते, कहीं बवाल होते हैं, बवाल कहीं देसी गुब्बारे होते हैं। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे घूम सकती हूँ अकेली, यहाँ पर हर तरफ डीमंस फिरने में लगे हुए हैं और यहाँ की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है और मैं हमेशा से बस तुम्हारा इंतजार ही किए जा रही हूँ। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा अपसेट हूँ, तुम अभी तक इमॉर्टल एम्परर नहीं बने हुए हो, तो जितना भी काम है वो सर्विस सभी एल्डर्स पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो हमारा एम्परर होता है वो तो मासूम चेहरा बनाते हैं। उससे कह लगता है, एक दिन मैं जरूर एम्परर बनूंगा और एल्डर्स कहते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल ऐसा बनने का, जिसको सुनने के बाद वो लड़की और ज्यादा गुस्सा होने लगती है उस पर। और तभी वो एम्परर से पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हें एक एम्परर बनने में कितना समय लगने वाला है, जिसको सुनने के बाद वह कथी सरप्राइज होता है। इस समय पर वो बहुत ज्यादा मासूम है और बहुत ज्यादा इनोसेंस है, और वो लड़की उससे पूछ लगती है, आखिरकार तुम्हें इमॉर्टलिटी हासिल करने के समय मतलब कितना समय लगने वाला है इमॉर्टलिटी हासिल करने में, हेवंस के साथ रहना और डीमंस का एलिमिनेट करना और एम्परर बनना, जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें ये सब हासिल करने में कितना ज्यादा समय लगने वाला है। और उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है लड़की का, इसका मतलब इसके बीच में कुछ तो चल रहा है। और उससे उदास होते पूछ लगते हैं कि 1,000 साल या फिर 10,000 साल, अगर ऐसा चलता रहा तो शायद दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या तुम एक मॉडल मेरी जैसी मॉडल मतलब तुझ इंसान के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गए। अगर ऐसी बात है। और वो इतना कहते ही रोना चालू कर देती है। यहाँ पर वो रोते हुए लिनमो के गले पड़ जाती है और उससे कहने लगती है, सिर्फ आधा घंटे के लिए ही सही, क्या तुम मुझे यहाँ पर अंगपनी कर सकते हो और मेरे साथ स्नोबॉल फाइट कर सकते हो और प्ले मतलब खेल सकते हो और यहाँ पर बर्फ का आनंद उठा सकते हो मेरे साथ। और तभी वो उसे माफ मांगती है और उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मुझे मैंने तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रखा है, अब तुम जा सकते हो और हीरो हीरो खेल सकते हो अपना, और अगर मैं तुमसे दूसरी लाइफ में मिलती हूँ
बाई चांस अगर तुम्हें दूसरी लाइफ में मिल सकती हूँ तो शायद हम मिल पाए, और मैं दूसरी लाइफ में भी इसी तरीके से तुम्हें परेशान करती रहूंगी ताकि तुम मुझे मेरे साथ स्नोबॉल फाइट खेल सको। और जिस तरीके से भय अपना हाथ उस तरफ बढ़ाती है, भाई साहब कतई दिल छू लिया अब हमारे व्यूअर्स का, ये तो कतई इमोशनल हो रखा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कहीं पर फायर जलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो कि एक गांव को जलाने में लगा हुआ होता है, जो कि चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है। इस जनरेशन के जो डीमन है वो एक नंबर के बेवकूफ है और कह रहा होता चिल्ला चिल्ला कर। आखिरकार उसने इस खूबसूरत जगह को और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई जगह को ऐसे ही खाली क्यों छोड़ दिया उन मॉर्टल्स के लिए, और वो उन मॉर्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ होता है डीमन। और इस डीमन को आपको याद आ रहा होगा, ये वही डीमन स्वॉर्ड की तरह लग रहा है ना, और वो और कोई नहीं ये वही डीमन स्वॉर्ड है। और वो डीमन स्वॉर्ड सभी के सभी इंसानों को यहाँ पर मारने में लगा हुआ है और कह रहा होता है अगर हमारे डीमन लॉर्ड यहाँ की एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब करना चाहते तो मैं यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे एम्परर की लवर होती है, जो कि उस डीमन के शिकार बन गई होती है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है और वो वहां से मूव भी नहीं कर पा रही होती, जो कि मन में सोचते कह रही होती है मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने में लगा हुआ है, मैं तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रही। और जो डीमन होता है वो वापस उस पर अटैक करना चालू कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एम्परर होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और वापस से उस डीमन स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है। जहाँ पर वो जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो उससे कहने लगती है जो इमॉर्टल वर्ड है वो वाकई में डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। भले ही मैं एक डीमन स्वॉर्ड हूँ लेकिन जरा देखो सही आखिरकार इन्होंने किसको भेजा हुआ है, एक नए बंदे को यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए भेजा हुआ चौमुओं ने। तभी हमें एम्परर को दिखाया था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में भर लिया होता है और उस डीमन स्वॉर्ड से कह रहा होता है मेरे ब्रदर यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाले हैं और तब तुम्हारा खात्मा होगा। तभी डीमन स्वॉर्ड उससे कहने लगता है चल अच्छा ऐसी बात है तो चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे ब्रदर्स यहाँ पर आएंगे फास्ट या फिर मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। तभी वहाँ पर उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है और एक ही हिट में हमारे एम्परर की स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड यंग होती है। अब हमें पता चला है कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम यंग है, 10,000 साल पहले की बात है ये, और वो उसकी हाथों से छूटकर आसमान की तरफ बढ़ने लगती है और जो डीमन स्वॉर्ड होती है वो उस यंग को मारने की तरफ बढ़ने लगती है। और एम्परर उन्हें सोचते कह लगता है नहीं ये काफी ज्यादा लेट हो गया, मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन डीमन स्वॉर्ड अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ जनरेट करता है और उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो डीमन स्वॉर्ड आकर उससे कहने लगता है तुम नए बंदे मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मजा आया, तुम्हारी सारी की सारी जो अटेंशन थी वो इस लड़की पर थी, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते, और वापस एम्परर पर अटैक करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण उस डीमन स्वॉर्ड के जो हाथ होता है वो डायरेक्टली उसकी गर्लफ्रेंड में यानी कि यंग में घुस जाता है। और भाई साहब हमें पता चलता है उसके पेट में तो एक बहुत बड़ा छुरा हो गया, होल हो गया। ये देखने के बाद जो हमारा एम्परर होता है वो कतई शौक से भर जाता है, उसका दिल एकदम से टूट जाता है। और हमें पता चलता है कि जिस तरीके से उसने यंग को मार दिया होता है उसे लटका कर अपने हाथों में फिरने लगा है डीमन स्वॉर्ड, और डीमन स्वॉर्ड होती है वो उस यंग को दीवार की तरफ दूसरी तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगती है अब तुम्हारी बारी है नए बंदे। तभी अचानक से डीमन स्वॉर्ड को कुछ महसूस होने लगता है और वहां पर कोई फोर्सफुली उसे वापस बुलाने में लगा हुआ होता है। यहां पर बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड उन्होंने मेरे अनऑथराइज एक्शंस का पता लगा लिया है, अब वह मुझे वापस बुला रहे हैं। तभी एम्परर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि आखिरकार उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड भी मारी जा चुकी है, और वो उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम डीमन लॉर्ड के साथ ही हो। तभी डीमन स्वॉर्ड जाते जाते उससे कहने लगती है तो क्या हुआ अगर मैं उसके साथ ही हूँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह की क्वेश्चन करने की, तुम्हें तो डीमन लॉर्ड का शुक्रिया करना चाहिए इसी कारण तुम्हारी आज जान बच गई और डीमन लॉर्ड के कारण अब से तो इमोर्टल वर्ल्ड के हीरो कहलाओगे। दूसरा हमें यंग को दिखाया जाता है जिसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद होने के कारण उसका खून काफी ज्यादा मात्रा में बह चुका होता है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लड़ रही होती है, मतलब ले रही होती है। तभी इमोर्टल यानी कि एम्परर के पास आता है और उससे लगता है यंग तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी अपनी सांस लेते रहना। तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसे बुलाती है और उससे कहती है तुम वापस आ गए, और वो खांसते हुए खून निकाल रही होती है अपने मुंह से, और आखिरकार उसकी बाहों में लेटने के बाद वो चैन की सांस लेती है और कहने लगती है आखिरकार तुम आ ही गए अब मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जो इमोर्टल होता है यानी कि एम्परर वो रोना चालू कर देता है, आज मैंने पहली बार इसको इस तरीके से रोते हुए देखा है, 10,000 साल पहले की बात है ना, पहली बार और आखिरी बार इसका रोना हुआ। और वो यंग से कहने लगता है तुम कुछ भी मत कहो, तुम्हें पता है ना मैं हूँ यंग, मेरे जो ब्रदर थे वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। तभी जो यंग होती है वो उससे कह लगती है मैं और ज्यादा नहीं झेल सकती, तो मेरी बात ध्यान से सुनो मोताऊ। तो हमें पता चलता है इस एम्परर का नाम मोताऊ है, और वो उससे कह लगती है तुम मेरी बात सुनो, इस बेम्बू फॉरेस्ट के पीछे एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी है, इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा वहां, तो मुझे माफ कर देना अगर हम नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे मिलती हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसका वादा करती हूँ। और यहाँ पर उसकी आखिरी सांसें यहीं पर छिन जाती हैं और हमारे एम्परर की यानी कि मोताऊ की जो गर्लफ्रेंड होती है वो यहाँ पर मारी जाती है। ये वाकई में एक दुखद सीन है जिसने हमारे दिल को हिला कर रख दिया है, और हमारा एम्परर उससे माफ मांगने लगता है, और इसी तरीके से ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। तभी जो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वो डीमन लॉर्ड यानी कि डीमन क्वीन की तरफ शिफ्ट होता है,
यहाँ पर वो अपने फादर से कह रही होती है, जो डीमन स्वॉर्ड है उसको फिर से आपने परमिशन दे दी थी, मतलब परमिशन नहीं, चुपके से निकल गई और आम लोगों को मारना चालू कर दिया है ऑलरेडी। जब हमेशा तुम आप जैसे ही आप उसका ख्याल रखते हो और उसे शेल्टर देते हो तो वो हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है और हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स लेकर आती है वो डीमन स्वॉर्ड। आप हमेशा ऐसी प्रॉब्लमेटिक मतलब परेशानी खड़ी करने वाली चीज़ के साथ नहीं रह सकते इस तरीके से। तभी डीमन लॉर्ड उससे कहने लगता है, नहीं हमें कभी कभार इसे रोक लेना चाहिए। लेकिन जो डीमन क्वीन होती है उसका दिमाग इस तरीके से भर दिया होता है तो वो खुद ही उसको अपनी बात से पलट कर उससे कहने लगती है, हमें डीमन स्वॉर्ड से कुछ सीखना चाहिए, मारना और सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, यही तो हमारा काम है। तभी जो डीमन असली वाला डीमन लॉर्ड होता है वो उस डीमन क्वीन के कनपट्टी में हेडशॉट मारता, पाटता से हेडशॉट, और उससे कहने लगता है, क्या तुम उस डीमन स्वॉर्ड से कुछ सीखना चाहते हो किस तरीके से बिना किसी सोचे समझे लोगों को मारना? आखिरकार तुम जैसे बंदे मतलब उन जैसे डाकू और तुम में क्या फर्क रह जाएगा फिर? और इस तरीके से उनकी फाइट वहां पर समाप्त होती है। यहां पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि पूरा का पूरा खून से सना हुआ होता है और वो उसी पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। यहां पर वो मन में सोचते कहने लगता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने जो भी तुम्हारे लिए किया हुआ है उसे तुम्हारी वीकनेस सब कुछ तबाह कर देगी, शायद हम आगे चलकर ठीक रहेंगे और कोई जो नया डीमन लॉर्ड आने वाला है वो कोई बुरा ना हो इतना ज्यादा। और वो तो कुछ उल्टा सीधा सोचे ही जा रहा होता है और देखता है कि यहाँ पर स्नो पड़ी हुई है और उसकी आंखें देख रहे होता है कि पूरा का पूरा ऐसे लगता है लाइफलेस बॉडी हो। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और सामने देखता है तो वो देखकर अचानक से उसकी बॉडी में जान आ जाती है और कहने लगता है, क्या मेरे पास इतना समय नहीं है? यहाँ पर वो अपनी लवर की बातों को याद करने में लगा हुआ होता है जब एक बार उसने कहा था कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना बंद करो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारे जो बाल हैं वो ग्रे हो जाएंगे और तुम बुढ़े हो जाओगे ऐसे ही। और वो उस मूवमेंट को याद करते हुए रोना चालू कर देता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब अभी तक पूरी सीरीज बना देखा मैंने। यहाँ पर उसकी लवर आखिरी टाइम उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ के हीरो बनकर रहोगे अगर हम नेक्स्ट मतलब दूसरी जिंदगी में मिलते हैं तो। तभी वो उसी के साथ ही जो सेकंड सीन है वो डायरेक्टली यूतांग की तरफ शिफ्ट होता है और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो जो यिंग है और जो यूतांग है वो ऑलमोस्ट उन दोनों का चेहरा सेम टू सेम दिखने में लगा हुआ है। इसलिए वो यूतांग को देखने के बाद यहाँ प्रेजेंट में कहानी आती है और वो उसे देखने के बाद भावुक हो जाता है। यहाँ पर एक बार इसकी लवर यिंग ने उससे कहा था कि वो हमेशा इसको परेशान करती रहेगी इस दोनों के साथ खेलने के लिए। ऐसा ही एम्परर को वो बात याद आती है और वो भी कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी तरीके से परेशान करता रहूंगा और स्नो के साथ जरूर खेलूंगा। ये कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, ना ही ये किसी तरीके की रीइंकार्नेशन है और ना ही ये एक यंग है, ना मेरी लवर यंग। ये तो बात ये है कि जो भी मैं अब करना चाहता हूँ उस बात को मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में फिर से, और मैं दोबारा से वह गलती नहीं दोहराना चाहता जो मैंने 10,000 साल पहले को दोहराई थी की थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई अपना राय जरूर बताना कि आपको हमारी यिंग कैसी लगी, हमें तो कभी बवाल लग रहा एकदम बब्बर लगी, बब्बर बॉम बॉम। तो गाइस इसी बात को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना कर दो फटाफट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। तो बढ़िया सब लोग ठीक ठाक बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।